श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष में आया हाईकोर्ट का फैसला, संतों व हिंदू पक्षकारों में खुशी का माहौल। न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सबूतों के आधार पर दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो कह सके यहाँ अल्लाह का घर है, और हिंदू पक्ष ने सारे साक्ष जमा कर दिए और न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। फैसला आने के बाद मथुरा के संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला बृहस्पतिवार को आया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की शोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7/11/11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल चलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकारों के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया, आज कोर्ट का फैसला आ गया है, आज बहस पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब हिंदू पक्ष के जो मुकदमे चल रहे थे उनको सुनवाई योग्य करार दिया गया है। इस आदेश के बाद अब वादों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की शोषणीयता को चुनौती दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आइए देखते हैं क्या कुछ बताया है दिनेश कुमार शर्मा हिंदू पक्षकार ने। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले केस में पक्षकार हूँ। शर्मा जी, आज कोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे फैसलों को लेकर? देखिए माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, और इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष जो 7/11 पर जो बहस करवा रहा था और बग बोर्ड एक्ट पर और लिमिटेड एक्ट पर, वो बहस पूरी हो चुकी है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म मंदिर और ईदगाह मस्जिद वाले केस में 7/11 प्रभावी नहीं है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका मिला है। अब हिंदू पक्ष की जो मुकदमे चल रहे थे माननीय न्यायालय ने उनको सुनवाई योग्य करार दिया है। अब आगे सुनवाई जारी रहेगी, क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सबूतों के आधार पर दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो कह सके यहाँ अल्लाह का घर है, और हिंदू पक्ष ने सारे साक्ष जमा कर दिए और न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। जो रिट दाखिल हुई थी उसको काफी समय हो गया, काफी समय ये फैसला आने में लगे, क्या लगता है क्या कारण रहा फैसला इतना लेट आने में? देखिए मुस्लिम पक्ष क्या करता था कि नए नए वकील खड़ा कर करके टाइम को डिले कर रहा था। कई बार कभी सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, कभी नए वकील खड़ा कर देता है, तो उसने केवल मामले को लटकाने भटकाने का प्रयास किया। लेकिन माननीय न्यायालय ने लगातार सुनवाई करवाई, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष को के पास सबूत नहीं होने के कारण उसको हार मिली है। तो क्या लगता है, कह सकते हैं कि अयोध्या की तरह जो मथुरा में भी अब जो श्री कृष्ण जी का मंदिर है वो बनेगा दोबारा से? अब बहुत जल्दी हमें विश्वास हो गया है अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को शेयर जरूर करें।